मैं जरा डेटा मुशाय के पास जाता हूं और डेटा मुशाय से पूछता हूं कि अगर जो कर्नाटक का अभी का जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है उसको अगर वो विधानसभा सीटों पर कन्वर्ट करें तो बीजेपी को कितनी सीटों पर वहां पर एज मिलता दिखता है या जीत मिलती दिखती है, और रिजल्ट अभी क्या है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं। 2019 का जो विधान लोकसभा चुनाव उसमें बीजेपी के पास 28 में से 25 सीटें, अगर उसको विधानसभा में अगर कन्वर्ट करें डेटा मुशाय तो क्या पिक्चर दिखती है? तो 170 सीटों में बीजेपी आगे था, 170 सीटों में बीजेपी आगे 170, और उसके बाद ये विधानसभा चुनाव हो रहा है, ये विधानसभा चुनाव हो रहा है, लेकिन क्या वो कन्वर्जन होगा? बट इक्वेशन अलग था तब। क्या है, कांग्रेस जेडीएस एक साथ लड़ा था तब, पार्लियामेंट इलेक्शन डिफरेंट इलेक्शन, मतलब असेंबली इलेक्शन से बहुत अलग है, और उधर क्या है पुलवामा का इंपैक्ट बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो आप कर्नाटक में देखेंगे आर्मी में भी, कुर्ग एक डिस्ट्रिक्ट है, आर्मी में काफी लोग जाता है, ठीक है। तो हर इक्वेशन, हर इलेक्शन अलग है, इश्यूज अलग है, तो वो बदलता है। तो मतलब आप ये मानते हैं कि जो ये विधानसभा चुनाव के मुद्दे, आप तो कर्नाटक में घूम रहे हैं, जब ये लोकसभा चुनाव में जाएगा ये पूरा स्टेट, तो यहाँ मुद्दे चेंज हो जाएंगे? मुद्दा चेंज होगा, लेकिन अगर विधानसभा में अगर ऑपोजिशन अच्छा नहीं कर पाएगा तो लोकसभा में कोई चांस ही नहीं है, आप समझ रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कितना गैप में ये कांग्रेस बीजेपी का गैप कितना रहेगा, वो सारी चीज देखना पड़ेगा, ठीक है। ये कितना सीट आ रहा है उसका आफ्टर दैट ओनली कुछ एनालिसिस हम लोग बेटर कर सकते। एक जल्दी से एक सवाल और जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फिर अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आपने जब ये पूरा कर्नाटक का कवर किया और जब आप वहां जमीन पर गए, वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या दिखा जमीन पर? देखिए डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज है। कर्नाटक का क्या है, आप 6 एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। कोस्टल में अलग डेमोग्राफी है, अलग अलग इश्यूज है। मैं देखा हूँ गरीब लोग परेशान है, गरीब लोगों में बीजेपी का ऊपर थोड़ा आस्था कम था, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इशू, चलिए ठीक है। तो ये अब क्या गरीबों को जो गारंटी देने की बात कही है कांग्रेस ने, उसका असर दिखेगा क्या होगा ये तो पता चलेगा। राजगोपालन जी आप बोलना चाह रहे थे, मैं आपको समय नहीं दे पाया था, बोलिएगा। लेकिन सर पर्सनल कमेंट से अब आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि 2024 में मोदी की लाइन क्लियर है, कर्नाटक हार जाएंगे तो भी क्लियर है सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सत्ता पक्ष जो भी अभी देखिएगा, नीतीश कुमार का एक एक राष्ट्र जा रहे, कल शिबू सोरेन बैठा, हेमंत सोरेन को साथ थे, केसीआर के साथ गए, फिर ममता बनर्जी से मिले, ये क्यों हॉपिंग कर रहे, हेलीकॉप्टर से हवाई जहाज से क्यों है? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का जो दबदबाव है इंडियन वोटर्स के ऊपर, कम से कम 3 शत, यानी 2014, 2019, 2024, उसको श्रेय कोरोना टाइम पर कम से कम 2050 करोड़ लोगों का इंजेक्शन दिया एंटी कोरोना वोट्स सर। लेकिन हार तो तब भी गए थे जब इंडिया शाइनिंग के नारे लग रहे थे, गैस सिलेंडर दिया है, टॉयलेट दिया है, ये सारा लाभ भारती है, लेकिन कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट को हटाया, निकाला है, पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया, लेकिन आखिर में क्या? तो उसमें अगर कांग्रेस विपक्षी पार्टी के तौर पर अगर कोई मांग कर रही है तो दिक्कत क्या है? गौरव, कांग्रेस कह रही है कि इस पे दिक्कत, कांग्रेस के पास ये राइट नहीं है इस देश में कि वो विपक्षी पार्टी होने के नाते संसद में कुछ मांग कर सके? उठाना चाहिए, ठीक मुद्दा उठाना चाहिए सर। ये कौन तय करेगा मुद्दा कौन ठीक है? सीबीआई का सेबी को विश्वास नहीं है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर विश्वास है आपका, इसीलिए तो शरद पवार ने आपको टाइम टाइम फिश कर दिया।